चैन ज्वेलरी एक्सपोर्ट में गिरावट आई है और जुलाई के महीने में 23% एक्सपोर्ट घटा है, इंपोर्ट में भी कमी आई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सब्यसाची रे हैं जो कि ईडी है जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के। सब्यसाची बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। एक्सपोर्ट के प्रमोशन में कुछ कमी रह गई सर, इसलिए आंकड़े कम आए हैं, क्या वजह है इसकी? नहीं मृत्युंजय जी, आप पूरा आंकड़े को खाली ऊपर से नहीं देख के उसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखिए कि उसके अंदर क्या है। आंकड़े के अंदर क्या है अंदर बताइए सर? जो डायमंड जो है, डायमंड में भारी गिरावट आ रहा है लास्ट 3-4 महीना 6 महीना से या 1 साल से। क्योंकि क्या हो रहा है, डायमंड का जो है ये जो चाइना का स्थिति जो है, जो दुनिया का 1/3 करीब 22-26% टोटल दुनिया का जो डायमंड का खपत है, उधर पर एकदम ही गिरावट आ गया है। और हम लोग सोचा था कि कोविड के बाद उनका डिमांड वापस आएंगे, वो अभी तक वापस नहीं आया है। और यूएसए में भी आप जानते हैं कि महंगाई के कारण भी उधर भी थोड़ा इकोनॉमी का डाउन था, उसके लिए उधर पर भी गिरावट था। तो यूएसए का जो गिरावट है वो थोड़ा थोड़ा करके अरेस्ट हो रहा है, बट जितना जल्दी अरेस्ट होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो उसका जो ओवरस्टॉक हो गया था कोविड के बाद, क्या हुआ जैसे ही मार्केट आ गया तो सब लोग बहुत सारा स्टॉक कर लिया था, क्योंकि डिमांड एकदम थ्रू द रूफ गया था यूएसए में। तो वो जो ओवर स्टॉकिंग है वो जब तक वो खाली नहीं होगा तब तक यूएसए में उतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा नहीं। तो बढ़ रहा है बट उतना, ये मंथ में जुलाई मंथ में हम लोग देखा है यूएस रिटेल में बहुत अच्छा फिगर आया है, तो हमारा उम्मीद है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ में वो आएंगे। अच्छा, और एक चीज जो हम लोग जो देखा है कि आपका जो डायमंड का क्या प्रॉब्लम है, 60% हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट है उसमें डायमंड 60% है। अच्छा, तो वो उसके लिए डायमंड में कोई गिरावट आएगा, जैसे इस महीने आप देखिए कि इस महीने में 22% का गिरावट आया है, तो 22% डायमंड में गिर जाएंगे तो टोटल फिगर में खराब दिखेगा। अल्टीमेटली तो बात जो आप कह रहे हैं अंदर भी तो वही है ना जो ऊपर है, मतलब एक्सपोर्ट में तो गिरावट है ना, चाहे वो डायमंड हो चाहे वो बाकी ज्वेलरी हो। और आप देखिए कि कट एंड पॉलिश, एक मिनट सर प्रसाद जी, आप देखिए कट एंड पॉलिश डायमंड का जो एक्सपोर्ट है वो 23% घटा, ये सही है? राइट है सर, जुलाई के महीने में राइट है। अच्छा, और इम्पोर्ट भी कम हुआ है आपका कट एंड पॉलिश का, 51% घटा है, राइट है सर? एकदम राइट है। अब आप जरा बताइए कि डायमंड मार्केट में इतनी सुस्ती क्यों आ गई है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसका पीछे वजह आपको बोला है कि 26% जो कंट्री में खपत हो रहा था चाइना, वो एकदम ही बैठ गया है। तो उसमें हम लोग डिमांड बढ़ाने के लिए ऑलरेडी हम लोग काम चालू कर दिया है। डायमंड में जो चाउकाई फूक जो है, दुनिया का सबसे बड़ा जो रिटेलर है, उसके साथ और डीबीएस के साथ मिलके हम लोग बहुत जल्दी उनके कंट्री में बहुत बड़ा प्रमोशन। अच्छा, अभी जो आपका एक्सपो हुआ था सर, उसमें कैसा रिस्पॉन्स था एक्सपोर्टर की तरफ से, मतलब फॉरेन बायर आए थे या उनका रिस्पॉन्स कुछ कम था कम्पेयर टू लास्ट ईयर? एक्सपोर्ट में जो आपका, उसी के लिए बोलते हैं कि आप ज्वेलरी एक्सपोर्ट देखेंगे ना, अप्रैल टू जुलाई महीना में हमारा अभी भी एक्सपोर्ट 4% ज्यादा बढ़ा है। राइट, तो उधर पर ज्वेलरी एक्सपोर्ट में अभी पर कमी नहीं दिखता है, ठीक है ना? फिनिश ज्वेलरी इंक्लूडिंग डायमंड ज्वेलरी जो है यूएसए में, आप देखिए कि अप्रैल टू जुलाई महीने में 5% तक बढ़ गया है। और सबसे बड़ा जो अभी जो आपका एग्जीबिशन का जो बात कर रहे हैं, ये एग्जीबिशन मेनली गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि हमारा जो कंट्री से ये इसका ग्राहक आता है, हर एग्जीबिशन का अलग अलग उनका कैचमेंट एरिया बोलते हैं। जैसे इटली का एग्जीबिशन होगा तो उनको यूरोप से आएगा, राइट, हांगकांग का होगा तो चाइना से आएगा। हमारा जो कैचमेंट एरिया है मिडिल ईस्ट है, देन साउथ एशियन कंट्रीज जो है श्रीलंका, उधर पर बांग्लादेश एक्सेट्रा, ये सब जो कंट्री है, प्लस मलेशिया है, देन टर्की है, देन आपका सऊदी अरबिया है। तो हम अभी आपके साथ बात करने के पहले हम फिगर देख रहा था, उसमें आप देखिए अप्रैल टू जुलाई में आपका सऊदी अरबिया में 20% एक्सपोर्ट बढ़ा है, कुवैत में 87% एक्सपोर्ट बढ़ा है, टर्की में वही बोल रहे हैं कि होप फॉर द बेस्ट। आप लोग भी हमारे साथ रहिए, बिल्कुल साथ है सर, हम तो हमेशा साथ है भाई। धंधा बढ़ना चाहिए, बिजनेस बढ़ना चाहिए, बिजनेस बढ़ेगा तभी इम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, और जब उसमें कमी आती है तो हम उसको रेज करते हैं, ताकि फ्लैग ऑफ करना हमारा काम है, ताकि उसके ऊपर बहुत डिटेल में काम हो। बहुत शुक्रिया सब्यसाची रे साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर बात करने के लिए। हम ब्रेक